अस्सलाम वालेकुम, वक्त न्यूज के साथ मैं हूं इरफाना सईद। एक नजर वक्त हेडलाइंस पर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ पाकिस्तानी आज यौम सियाह मना रहे हैं। दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारतखानों में भी तकरीबात होंगी। नवाज शरीफ कहते हैं आजादी की लहर अब नहीं रुकेगी, कश्मीरियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। भारत के पास अब शिकस्त के सिवा कोई चारा नहीं। आर्मी चीफ के पोस्टर्स लगाने का मामला, मूव ऑन पार्टी के सरबरा मोहम्मद कामरान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। रेंजर इख्तियारात में तौसी का मामला फिर लटक गया। आसिफ जरदारी ने वजीर आला सिंध को मुशावरत के लिए दुबई तलब कर लिया। उधर वफाकी वजीर दाखिला का कायम अली शाह को खत। चौधरी निसार कहते हैं इख्तियारात में गैर जरूरी ताखीर से ऑपरेशन मुतासर होगा। कराची के इलाके शाह लतीफ में सीटीडी की कार्रवाई, दो दहशतगर्द हलाक, खुद को जैकेट, दस्ती बम और असलहा बरामद। मुकाबले के दौरान एक अहलकार भी जख्मी। पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 100 अफराद जेरे हिरासत। आजाद कश्मीर का सियासी मैदान कौन फतह करेगा? आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। सामान की तफसील जारी, पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर 5 तैनात होगी। और अमरीकी सदर का तुर्क मनसब को टेलीफोन, फौजी बगावत की मुजम्मत, साजिश की तहकीकात में ताबुन की पेशकश, तैयब उर्दवान का फतह गोलन की हवालगी का मुतालबा। उधर रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को बाजाब्ता तौर पर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया गया।